प्रभु यीशु में हम आप सबको नए साल 2021 में अद्भुत आशीषें पाने की शुभकामना देते हैं। आज हम एक ऐसी कल्चर या सोसाइटी का हिस्सा हैं, जहां सच की परिभाषा भी नित प्रतिदिन बदल दी जाती है। जब पौलुस रसूल ने ग्रीक लोगों की, जो एक अनजान परमेश्वर की भी आराधना करते थे, सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु से पहचान कराई, तो उनका किसी ने विश्वास नहीं किया। मनुष्य हर दिन कुछ नया चाहता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के सत्य को भी नया कर सकते हैं? शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 46वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब योग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धन वालों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो, आमीन। पुराने नियम में शमूएल नबी की माता हैना के धन्यवाद के गीत के साथ और तकरीबन 12 पुराने नियम की और बातों से मिलते हुए प्रभु यीशु की माता मेरी या मरियम के गीत का हमारे लिए क्या मतलब है? लूका की इंजील जो डिवाइन कनेक्शन है मसीहा का वो दिखाती है, उनके जो इवेंट्स जो उनके जन्म के साथ है, जो परमेश्वर का वचन आता है लोगों के पास और उसके बाद में जो उनका जी उठना उसके बारे में भी, दोनों में, उनके जन्म में और उनके द्वारा जी उठने में, रिजरेक्शन में, स्वर्गदूत वो समाचार सुनाते हैं। पहले जकरिया जो के प्रीस्ट है उसे मंदिर में योहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वचन आता है, फिर मरियम को, फिर चरवाहों को और फाइनली मेरी मैग्दलिनी को और दूसरी औरतों को खाली कब्र का मैसेज स्वर्गदूत देते हैं। लूका 1:28 में स्वर्गदूत गैब्रियल 3 चीजें मरियम से कहता है। पहला ये कि वो आशीषित है, दूसरा कि परमेश्वर उसके साथ हैं और फाइनली कि वो धन्य है, ब्लेस्ड है। लेकिन उसका जो फोकस है वो मरियम पर नहीं है, उसका फोकस है पुत्र के ऊपर, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, जिसका नाम यीशु रखा जाना है, यहोशु रखा जाना है और जिसे मसीहा के नाम पर पहचान हो जिसकी बननी है, जिसके बारे में पुराने नियम में कहा गया था और इसी के लिए स्वर्गदूत की वो विजिट है। लूका 1:32-33 आयत में गब्रियल वो बताता है कि जो पुत्र वो जनेगी वो बहुत अद्भुत होगा और उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा और वो अपने पिता दाऊद का सिंहासन पकड़ेगा और इस द्वारा वो उसकी दाऊद के साथ लीनिएज को दर्शा देता है और ताकि जो परमेश्वर ने राजा दाऊद से वायदा किया था कि उसके राज्य का कभी अंत ना होगा वो यहाँ पूरा होता है। लूका 1:34-37 में मरियम एकदम समझ जाती है कि जो ये भविष्यवाणी यशाया नबी ने की थी यशाया 7:14 में कि एक कुंवारी कन्या जन्म देगी, वही गब्रियल स्वर्गदूत उसी के बारे में बता रहा है और फिर वो उसकी कंफर्मेशन पाती है पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा। जब वो ये स्वर्गदूत जो कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम पर उतरेंगे और फिर परमेश्वर का बल तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हें ओवरशैडो कर लेगा, फिर वो पहचान देता है उस पुत्र की, वो पवित्र होगा और उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा।
शकीना ग्लोरी जो परमेश्वर की शकीना ग्लोरी का जो बादल है, जो कि परमेश्वर की विजिबल मैनिफेस्टेशन है, वो उसकी महिमा का बादल मरियम के ऊपर उतरेगा। और फिर वो ये कह देता है उत्तर देते हुए मरियम को कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 1:38 में मरियम का जो रिस्पॉन्स है वो उस समय के जो नॉर्म है, उस समय के जो जीवन है, उसको चैलेंज कर देता है। वो जो उसे मैसेज दिया गया है उसे मान लेती है और अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के सामने सरेंडर कर देती है। वो कह देती है मैं परमेश्वर की दासी हूं, तुम्हारे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। ये जो एक्सेप्टेंस है उसे वल्नरेबल कर देती है कि उसका जो जिसके साथ उसकी शादी हुई है और आगे उसके साथ उसने जा रहना है, पूरी तरह भी शादी नहीं हुई है, तो वो डाइवोर्स उसको दे सकता है। अडल्ट्री के कारण उसे पत्थर मारकर मारा भी जा सकता है और फिर उसके घर वाले रिश्ते वाले सब उसको निकाल दें और उसे गुर्बत में और भीख मांगने तक का जीवन बिताने की उसकी नौबत आ सकती है। ये सब उसके साथ हो सकता है, लेकिन वो सबको चैलेंज कर देती है। जो मरियम का जो रिस्पॉन्स है वो विश्वास का है। विश्वास में कोई शक नहीं है। परमेश्वर जो सब कुछ बनाने वाला है उसकी इच्छा के ऊपर कोई शक नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, उसके सरेंडर कर देती है। और हर विश्वासी का यही एक रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो यही प्रार्थना करते हैं, आपकी इच्छा इस धरती पर पूरी हो जिस प्रकार स्वर्ग में होती है। और मेरे अपने जीवन में सबसे पहले ये शुरू होना चाहिए, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे जीवन में पहले उसकी इच्छा पूरी हो। लूका 1:46-55 में जो मरियम का गीत है उसे मेरीज मैग्निफिकेट कहा जाता है। मेरीज मैग्निफिकेट है लैटिन वर्ड जो है ट्रांसलेशन का, उसके पहले शब्द से जो कि है मैग्निफिकेट एनिमा मेया डोमिनम, मैग्निफिकेट उसे कहा जाता है। इसका मतलब है मेरी रूह परमेश्वर की, माई सोल मैग्निफाइज द लॉर्ड, और मेरी आत्मा मेरा प्राण आनंदित होता है परमेश्वर मेरे मुक्तिदाता में, क्योंकि उसने अपनी इस दासी को की जो उसकी दीन स्थिति है उसके बारे में देखा है, उसके बारे में जाना है, जो अभी हमने पढ़ा भी था। और फिर वो ये कहती है, वो याद करती है वो सब कुछ जो परमेश्वर ने वायदा किया था इज़राइल के साथ, अब्राहम के साथ, वो उसे पूरा होता हुआ देखती है इसके अंदर। और जो वो गीत गाती है उसके अंदर ये सब कुछ वो कह देती है। इस गीत के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो ये है, पहला तो ये है कि वो अपना जो मन है वो जो प्रदर्शित कर रही है इस गीत के द्वारा, वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। उसके इस गीत का, हन्ना का गीत जो शमूएल नबी की माता है, और 12 और जो पुराने नियम के बातें हैं उनके साथ लिंक करता है। ये दर्शाता है कि मरियम अपना जीवन परमेश्वर के वचन में बिताती है। इस गीत में वो भजन संहिता 22, 44, 89, 98, 147 और 25, और फिर पहला शमूएल उसका दूसरे अध्याय, और यशायाह नबी की पुस्तक और जोब अय्यूब की पुस्तक के बारे में ये सबको लिंक कर देती है। वो उन सब की बातें इसमें कह देती है। और क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके मन में था तो ये गीत के द्वारा परमेश्वर का वचन उसे जाहिर होता है। और ये जो गीत है एक आशा का गीत है, जो आशा परमेश्वर के वचन के ऊपर और उसके बलशाली भुजा के ऊपर केंद्रित है, जिसके द्वारा मुक्ति मिलती है। और ये जो लोग हैं वो यहोवा के, यहोवा परमेश्वर के दीन हैं, जिसके बारे में प्रभु यीशु कहते हैं जो मन के दीन हैं। हमें भी जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन से भरा हुआ जीवन बताएं, कि हम हर दिन उसकी आराधना करें, वचन को पढ़ें और वचन के अनुसार चलें और वचन के ऊपर चलें। दूसरा उसका पॉइंट है उसकी ह्यूमिलिटी है, जो कि विजिबल है। ऐसी अद्भुत आशीष उसे मिलती है कि मसीहा की माता उसने बनना है, लेकिन जब वो अपने बारे में बात करती है तो अपने आप को दासी जाहिर करती है। एलिजाबेथ के पास जब वो जाती है, एलिजाबेथ भी गब्रियल के मैसेज को कंफर्म कर देती है, और मरियम आनंदित होती है, परमेश्वर मेरा मुक्तिदाता, गॉड माय सेवियर, और वो ये जाहिर कर देती है
कि मुझे भी एक मुक्तिदाता की जरूरत है, मैं भी पाप वाली हूँ, पाप से भरे हुए हम सब लोग हैं, वो उसे जाहिर कर देती है। लूका 2:19 में चाहे फिर वो चरवाहों का मैसेज है, आना उनका मुझे देखना, चाहे सिमियोन और आना जो प्रोफेटस है मंदिर में, उनकी बातों को वो सबको सुनती है और अपने मन में वो भर लेती है और अपने मन में उन पर विचार करती रहती है। कहीं पर भी वो अपने बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी हूं, कि मैं तो परमेश्वर के पुत्र की माता हूं। एक टेम्पटेशन है उसके जो शैतान उसे कोशिश करता होगा, लेकिन वो दीनता में बनी रहती है और उसकी ये दीनता बिल्कुल जाहिर है। वो सर्वेंट स्पिरिट जो उनके पुत्र ने बाद में प्रीच किया कि दीनता में बने रहो। तीसरा पॉइंट है कि मरियम अपने इस गीत के द्वारा हमारे भीतर भी एक धन्यवाद का एटीट्यूड भरना चाहती है कि हम भी धन्यवाद करें और एक्नॉलेज करें जो बहुत अद्भुत चीजें परमेश्वर ने की हैं उसके अनुग्रह के द्वारा, और फिर हम अपनी जो स्टेट है, अपनी स्थिति, उसे पहचाने और उसमें बने और उसके सामने उस दीनता में आए। मरियम ये जानती है कि उसको किस प्रकार की मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को नहीं देखते हुए वो परमेश्वर का धन्यवाद करती है। उसका धन्यवाद करने का जो एटीट्यूड है ये विश्वास है, जो विश्वास परिस्थितियों से आगे है, जो विश्वास जो परिस्थितियां हैं वो विश्वास के द्वारा देखती है, विश्वास कि परमेश्वर मुक्तिदाता है, परमेश्वर सब कुछ करेगा, परमेश्वर ने किया है और आगे भी करेगा। इसीलिए वो कहती है जो वायदा उसने किया था, कोविनांट जो अब्राहम के साथ थी, इज़राइल के साथ थी, उसे पूरा होता देखती है वो। चौथा, मरियम का गीत एक इस इम्पोर्टेंस को जाहिर कर देता है कि परमेश्वर के जो पुराने जो काम किए हुए हैं उन्हें हम याद करें और फिर ये विश्वास में चलें कि आगे भी उनके अनुग्रह में इसी प्रकार हम बनाए रखेंगे और हमारे ऊपर वो आशीष देते रहेंगे, और फिर पुराने नियम की बातों के ऊपर हम मनन करें, उनकी आशीषों के बारे में जानें और फिर देखें विश्वास में बढ़ते जाएं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उस समय किया था और किस प्रकार नए नियम में किया है, और इसी प्रकार हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारी सहायता करते रहेंगे। और फिर वो 50 आयत में वो कह देती है कि उसकी दया जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनी रहती है, और वो कहती है वो दीन को ऊपर उठाते हैं और जो रूलर्स हैं उन्हें नीचे गिरा देते हैं। पांचवा पॉइंट है, मरियम का गीत उसके पर्सनल विश्वास के बारे में है, जो विश्वास परमेश्वर के वायदों के ऊपर है, कोविनेंट प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। ये 54 और 55 वर्स में है, वो जो परमेश्वर ने इज़राइल के लिए सहायता की है अपने दास की, उस दास के ऊपर अनुग्रह द्वारा वो याद करती है कि उन्होंने अनुग्रह किया इज़राइल के ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर, अब्राहम के ऊपर और उसके डिसेंडेंट्स पर जो उन्होंने वायदे किए थे उन्हें याद करती है। और फिर इस प्रकार अपने पुत्र का जन्म वो अब्राहम के किए गए वायदों को पूरा होते हुए देखती है, जो अब्राहम से उत्पत्ति 12 और 15 में परमेश्वर ने किए थे। स्वर्गदूत गैब्रियल की बात को सुनते हुए वो ये कि परमेश्वर ये तुम्हारे द्वारा कर रहा है, तो वो जो परमेश्वर का पर्पस है, जो प्रॉमिस है अब्राहम को, उसे पूरा होता हुआ देखती है अपने इस जीवन में। हमें भी इसी प्रकार परमेश्वर के वायदों के ऊपर पकड़े रहना है, उसे वचन को पकड़े रहना है और इस प्रकार विश्वास में बढ़ते जाना है, और फिर इन विश्वास के और वायदों के ऊपर हम लीन ऑन करते हैं, इनके ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं, इस फेथ में, इस विश्वास में कि ये वायदे हमारी हर तरह की परेशानियों का बोझ हटा सकते हैं, और इस प्रकार फिर हम जुड़ते हैं प्यार के साथ, और फिर प्यार इस प्रकार के अद्भुत गीत हमारे भीतर से निकालता है और फिर हम परमेश्वर की आराधना में जुड़ते हैं। मरियम खास तौर पर परमेश्वर को, प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद करती है।
जो मसीहा है, जो इस दुनिया का मुक्तिदाता है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है अब्राहम के उस वायदे को पूरा करने के लिए। और फिर वो कहती है इस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना, और इसके द्वारा फिर रास्ता खुलना देखती है वो परमेश्वर के साथ सदा की एक फेलोशिप के लिए। मरियम स्वर्गदूत के वचन पर विश्वास कर लेती है क्योंकि वो जानती है कि ये परमेश्वर की तरफ से है, और फिर उसकी अथॉरिटी में विश्वास करती है। अथॉरिटी क्योंकि वो पुराने नियम में और सब पुराने वायदे देख चुकी है। फिर वो देखती है अनंत काल का जीवन, आने वाला जीवन, जो उसके पुत्र के द्वारा, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके द्वारा सब लोगों ने पाना है। मरियम का गीत एक अद्भुत अद्भुत आशीषों वाला गीत है। इसी प्रकार हमें ये सहायता करता है कि हम भी विश्वास में बने रहें, जो पहले हुआ है उसे हम देखें, उसे जांचें, और फिर उसके साथ आगे बढ़ते जाएं विश्वास में, इस विश्वास में कि परमेश्वर हमारी भी इसी प्रकार सहायता करेंगे। योहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बाद उनके नामकरण के समय याजक जकारिया, जो उनके पिता हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, उसका प्रभु यीशु की माता मेरी के गीत से क्या संबंध है? 400 साल से मलाकी नबी के की पुस्तक के बाद 450 साल हैं जब परमेश्वर का वचन धरती पर नहीं आता है। लूका 1:67-80 वहां हम देखते हैं परमेश्वर का वचन आता है। सबसे पहले स्वर्गदूत गैब्रियल आता है, फिर वो परमेश्वर के वचन की जो परिभाषा दिखा देता है मरियम के गीत में, फिर जकारिया के गीत में, और जकारिया का जो गीत है उसे बेनेडिक्टस कहा जाता है, और यह भी लैटिन भाषा का जो ट्रांसलेशन है उसका पहला शब्द है। जिस प्रकार उत्पत्ति का नैरेटिव है, जिसमें रीजनरेशन है मैनकाइंड के बारे में, कि मसीहा के आने के बाद में पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बल पाएंगे, और फिर वर्ड ऑफ गॉड, वो दोनों जुड़ते हैं, उसी प्रकार ये बेनेडिक्टस में है। लूका 1:34-37 तक स्वर्गदूत गैब्रियल डिफाइन करता है वर्जिन मेरी के द्वारा किस प्रकार वो बच्चे को कॉन्सीव करेगी। वो कहता है पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम पर आएंगे और परमेश्वर का बल तुम्हारे ऊपर ओवरशैडो कर जाएगा। लूका 1:39-41 तक फिर जब मरियम एलिजाबेथ के पास जाती है तो योहन्ना बपतिस्मे देने वाला जो अपनी माँ के गर्भ में है अभी, वो आत्मा से भर जाता है और वो आनंदित होता है उसके गर्भ में, और एलिजाबेथ आत्मा से भर जाती है, आनंदित होती है, और फिर वो स्वागत करती है, वो कहती है मदर ऑफ माय लॉर्ड, वो पहचान लेती है ये मेरे मुक्तिदाता की माता है। और जो प्रभु यीशु भी पैदा नहीं हुए हैं उनकी हजूरी में एलिजाबेथ भी आनंदित होती है, और योहन्ना बपतिस्मा देने वाला माता के गर्भ में आनंदित होता है। जब हम सब विश्वासी लोग प्रभु यीशु की हजूरी में स्वर्ग में पहुंचेंगे तो कैसा आनंद होगा। लूका 1:67-80 तक जकारिया जो प्रीस्ट है वो भी आत्मा द्वारा भर जाता है, और फिर वो प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है परमेश्वर के पुत्र के बारे में और उनके काम के बारे में। मरियम का जो गीत है वो एक वर्चुअल कोलाज है, वचन की पूरी तरह तरह के वचन उसमें शामिल किए गए हैं। हालांकि दोनों ये पहचान करते हैं अब्राहम की जो वायदा था, कोवेनेंट थी परमेश्वर की अब्राहम के साथ, उसे पहचान दोनों कराते हैं। मरियम का जो गीत है वो पर्सनल है, पर्सनल परमेश्वर की आराधना के लिए, और फिर उसका वो कारण भी देती है। वो कहती है माय सोल ग्लोरीफाइज, मेरा प्राण आनंदित है, उसे महिमा देता है क्योंकि उन्होंने ये कर दिया, फॉर ही हैज डन। वो कहती है मेरा माय सोल ग्लोरीफाइज, फिर वो रीजन देती है। जो बेनेडिक्टस है वो ये कहता है जो परमेश्वर कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, और ये फॉर्मल है, कॉर्पोरेट है, मे बी इसलिए है क्योंकि जकारिया एक प्रीस्ट है और इसलिए वो आराधना के तरीकों को जानता है। मरियम अपनी पर्सनल आराधना से कॉर्पोरेट आराधना में ले जाती है, पर्सनल से मेरा प्राण से इज़राइल के ऊपर आशीषों में पहुंच जाती है,
और फिर वो खत्म करती है उस गीत को कि इज़राइल ने किस प्रकार, इज़राइल के लिए परमेश्वर ने क्या कुछ किया है। ज़कारिया कॉर्पोरेट से पर्सनल की तरफ चलता है क्योंकि वो प्रीस्ट है, वो इज़राइल के लिए क्या हो उसके आगे चलता है, सब मैनकाइंड के लिए क्या होगा फिर वो पर्सनल पर चलता है, जो उसके पुत्र यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर करेंगे। मरियम का गीत जो है वो परमेश्वर ने जो पहले कर दिया है वो ये दिखा रही है, पास्ट टेंस में उसे रखा है उसने, हालांकि प्रभु यीशु ने भी जन्म लेना है, लेकिन वो परमेश्वर के काम के पैटर्न को, उनके डिलीवरेंस को, उनके ग्रेशियस डीलिंग जो है वो सब कुछ वो पहले ही पूरा हुआ दिखा रही है। बेनेडिक्टस फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रहा है, वो कहता है हॉर्न जो सींग है वो मुक्ति का उठाया गया है, मैग्निफिकेट है वो परमेश्वर की जो सहायता है, रिफॉर्मिंग और रिन्यूअल ऑफ पीपल, रिफॉर्म करना रीजनरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अंदर से लोग बदलेंगे प्रभु यीशु के आने के द्वारा। ज़कारिया का जो फोकस है वो बाहर का है, मुक्ति किस प्रकार होगी, किस प्रकार सिक्योरिटी होगी ऑप्रेसर से, और फिर जो नेशन ऑफ इज़राइल है वो शांति में परमेश्वर की आराधना कर सकेगा। दोनों परमेश्वर के बल को देखती हैं, परमेश्वर का बल एक योद्धा का बल देखती हैं वो। मरियम परमेश्वर को एक योद्धा की तरह देखती है जो इज़राइल के लिए और जो दीन हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, जो अंदर से दबाए गए हैं उनके लिए लड़ाई करता है। ज़कारिया परमेश्वर को एक योद्धा की तरह देखता है जो इज़राइल के छुड़ाने के लिए आता है बाहर एक्सटर्नल एनिमीज से, हालांकि उसका फोकस दोनों का ही कोवेनेंट जो अब्राहम से उसके रिन्यूअल के ऊपर है। यह दोनों परमेश्वर के अनुग्रह और न्याय के बारे में है, न्याय उनका जो परमेश्वर के इस इनिशिएटिव को, जो इस काम को नकार देते हैं, जो परमेश्वर का ये इनविटेशन है उसे वो नकार देते हैं, उन सबके लिए न्याय के बारे में वो कहते हैं। शुरू में ही एट द ऑनसेट दिस ईयर, अब ये नया साल शुरू होने वाला है, आइए हम सेलिब्रेट करें दोनों आइडियाज को, दोनों बातों के ऊपर हम विश्वास में चलें कि प्रभु यीशु ने जो किया है और जो आगे करते रहेंगे और उनके वायदों में हम विश्वास करते रहें। अगर हम इस प्रकार अपना पर्सनल फेथ नहीं रखेंगे प्रभु यीशु में, जिसके बारे में मरियम और ज़कारिया दोनों कहते हैं, तब फिर हम परमेश्वर के साथ अपनी फेलोशिप भी कायम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के बिना परमेश्वर के पास कोई जा ही नहीं सकता है। ये सिर्फ उनमें विश्वास के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा ही हम ये इटर्नल फेलोशिप परमेश्वर के साथ पा सकते हैं, और अभी के लिए सदा के लिए ये हमारी जो फेलोशिप है ये उनके द्वारा ही बन सकती है, और यही हमारे लिए चैलेंज है इन दोनों गीतों के अंदर। पिछले साल कोरोना वायरस के कारण कितने लोगों ने अपने नजदीकी लोगों को खो दिया या और कई तरह के नुकसान उठाए, ऐसी हालत में धन्यवाद करना कैसे आसान हो सकता है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 में पौलुस रसूल कहते हैं, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम धन्यवाद करते रहें, आनंदित रहें, और ये सदा आनंदित रहना है, हर परिस्थिति में धन्यवाद करना है, इसलिए उस समय नहीं जब सब कुछ ठीक चल रहा है। इब्रानियों की पुस्तक 12:2 में लिखा गया है, प्रभु यीशु की तरफ देखो जो के हमारे विश्वास का रचना करने वाला और उसे पूरा करने वाला, ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। फिर चाहे अच्छा सरकमस्टांस है चाहे बुरा हालत है, हमें प्रभु यीशु की तरफ देखते रहना है जो हमारे विश्वास को पूरा करते हैं, और ये विश्वास उनसे हमें मिलता है जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें गिफ्ट के तौर पर देते हैं। Mark 11:22 प्रभु यीशु ने कहा, Have faith in God, परमेश्वर में विश्वास रखो, लेकिन ये माना जाता है कि ये विश्वास डेवलप करना है, faith of God, मतलब ये है कि हम इस प्रकार जिएं जिस प्रकार के हमें बनाया गया है उनके इमेज और लाइकनेस में, उनके अक्ष रूप में हमें बनाया गया है, फिर हम उसी प्रकार चलें, काम करें जिस प्रकार परमेश्वर काम करते हैं।
परमेश्वर ने जब भी कोई वचन कहा तो उन्होंने शक नहीं किया कि मेरा वचन पूरा नहीं होगा। विश्वास ऑफ गॉड, फेथ ऑफ गॉड मीन्स कि हम भी ये विश्वास करें जब हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो वो फल लेके आएगा ही आएगा। और फिर फेथ इन गॉड भी रखें हम, परमेश्वर जैसा विश्वास और परमेश्वर में विश्वास। परमेश्वर में विश्वास ये कि वो फेथफुल है, कि वो जो उनके वायदे हैं वचन के उन्हें पूरा करते हैं। भजन संहिता 56:56 एक क्लासिक एग्जाम्पल है। दाऊद कहता है किस प्रकार उसके चारों तरफ उसे घेरा हुआ है दुश्मनों ने, उनके लिए न्याय मानता है, अपने दुश्मनों के लिए सजा मानता है, लेकिन आखिर में वो कह देता है कि मैं उस परमेश्वर के ऊपर ध्यान बनाए रखूंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा, उसमें विश्वास करता रहूंगा। नवंबर 25-26 के आसपास मेरी वाइफ को चेस्ट पेन हुई। जब हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो एक डायग्नोज की गई उनकी बीमारी एओर्टिक लिगामेंट, एओर्टिक डिसेक्शन, जो कि बहुत कम लोगों को होती है। ये जीवन के ऊपर बहुत खतरे वाली सर्जरी थी, तकरीबन 9-10 घंटे की। आमतौर पर यह माना जाता है इस सर्जरी में से 100 में से 50% लोग तो हॉस्पिटल लेने ही पहुंचते, जो पहुंच जाते हैं 50% उसमें से भी सर्जरी से बाहर नहीं निकलते, उसमें से 50% रिकवरी में ही रह जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, उसने अपने वायदे पूरे किए और मेरी वाइफ अभी ठीक है और ठीक हो रही है, दिन प्रतिदिन ठीक होती जा रही है। फेथ ऑफ गॉड एंड फेथ इन गॉड, इसमें हम जब चलते हैं तो परमेश्वर अपने वादों को पूरा करते हैं। परमेश्वर फिर हमें बदलते जाते हैं, रूपांतरण होता रहता है हमारा उनके जैसे। प्रभु यीशु तूफान में किश्ती है, उसमें सो रहे हैं, क्योंकि वो शरीर के अधीन नहीं है, शरीर को अपने अधीन करते हैं। थोड़ा समय मिला, सो जाओ, आराम करो, क्योंकि हर वक्त वो परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। पहला शमूएल 30 में फेथ ऑफ गॉड और फेथ इन गॉड का एक एग्जाम्पल है। दाऊद ज़िकलैग में अपना कैंप स्थापित किया हुआ है, जहां पर उसके साथी, उनकी पत्नियां और बच्चे वहां रहते हैं। दाऊद और उसके साथी वहां नहीं थे तो अमालकी लोग उस पर हमला कर लेते हैं और जो लोग हैं सबको पकड़कर वो ले जाते हैं। दाऊद के ऊपर जो उसके साथी हैं वो उन्हें पत्थर मार कर मारना चाहते हैं। दाऊद अब्याथार प्रीस्ट को बुलाता है कि ओरेम और थुम्मीम के द्वारा पता करो परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब परमेश्वर की इच्छा मिलती है जाओ, तो वो जाता है अमालकियों के ऊपर हमला करके उन पर जय पाता है। अपने लोगों को ही नहीं छुड़ाता, बल्कि जो उन्होंने और लोगों से लूटा हुआ धन दौलत थी वो भी वो लेके आता है। जब हम इस प्रकार फेथ ऑफ गॉड में आ जाते हैं, परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए तो रोशनी होगी, उन्हें पता है। प्रभु यीशु ने कहा थम जा तूफान, तो पता है तूफान थमेगा। फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसी प्रकार फेथ ऑफ गॉड में कि हाँ प्रभु आपने ये कहा है, तो हम जब कहेंगे आपके वचन को, आपके वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगाई पा चुके हैं, फिर ये कैसे हो सकता कि ये वचन पूरा ना हो? ये वचन पूरा होगा ही, और मैंने अपने जीवन में ये देखा है, बार बार देखा है, अपनी बीमारी में, अपनी पत्नी की बीमारी में। परमेश्वर सच्चा है और उसके वायदे सच्चे हैं। हम इस विश्वास में चलें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस संक्रमण के समय पर आपने हमें संभाला है, आगे भी आप हमें संभालते रहेंगे। हमें उस आशीष में बनाए रखें, हमें विश्वास में बनाए रखें। जितने लोग हम इस प्रोग्राम के द्वारा जुड़े हुए हैं, प्यारे प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह वाला हाथ हम सब पर बना रहे। 2021 जो ये नया साल है, ये आपके अनुग्रह का साल है हम सबके लिए। प्रभु जो आपने हमें सपने दिए हैं वो पूरा करने का साल है, आपने पूरे करने हैं। प्रभु हम सब सपने, अपनी इच्छाएं आपके सिंहासन के सामने रख देते हैं और आपका धन्यवाद करते हुए आपकी आशीषें वहां से उठा लेते हैं। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। ज़कारिया एक याजक या प्रीस्ट हैं, जबकि मेरी एक आम औरत, लेकिन हमें दोनों के विश्वास को समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। फिर उस विश्वास में हम भी उनके पहले की आशीषों को याद कर
आराधना के गीत गाएं और भविष्य में भी आशा और विश्वास से भरे रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।